नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। मुंबई के निलंबित पुलिस अधिकारी और 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले के आरोपी सचिन बाजी ने एक बार फिर चौंकाने वाला खुलासा किया है। वसूली मामले में सचिन बाजी ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और शरद पवार गुट के नेता जयंती पाटिल का नाम लिया है। अब इसको लेकर शरद पवार गुट की प्रतिक्रिया आई है। सुप्रिया सुले ने कहा कि राज्य सरकार के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि इस राज्य में कई जयंती पाटिल हैं, आप किस जयंती पाटिल की बात कर रहे हैं? फिलहाल राज्य सरकार के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार को बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर बात करनी चाहिए। महाराष्ट्र में इतनी गंदी राजनीति हो रही है, आप टाइमिंग देखिए, यह खत अभी क्यों आया? हमारे नेता बीजेपी पर भारी, सुप्रिया सुले ने। सुप्रिया सुले ने कहा कि विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनको डर लग रहा है कि हमारे सारे वरिष्ठ नेता इन पर भारी हैं, इसलिए उनके पीछे पड़े हैं। इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई, मैं तो कई दिनों से कह रही हूँ कि, और आंकड़े खुद इसकी गवाही दे रहे हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं नहीं कहती कि वे भ्रष्ट हैं। बीजेपी ने जिन जिन पर आरोप लगाया वह सारे आज उनकी पार्टी में या उनके मित्र पार्टी में मिनिस्टर हैं। बीजेपी से यह सवाल करना चाहिए, भ्रष्ट कौन है आप एक बार पता बता दीजिए। मैंने आज तक किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया, सबसे ज्यादा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। महाराष्ट्र के जितने लोग बीजेपी के साथ हैं उन सब पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। 5 साल का डेटा निकाल लीजिए। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।